स्टेट फार्मेसी के चेयरमैन धनेश अदलखा पर भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को लेकर अब उनका परिवार सामने आया है। इसके साथ साथ हरियाणा स्टेट फार्मेसी के सदस्य, फार्मासिस्ट, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल से निष्पक्ष जांच की अपील कर रहे हैं और साथ ही ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो दलाल पकड़ा गया है वो अपने बचाव के लिए चेयरमैन धनेश अदलखा का नाम ले रहा है और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि धनेश ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है। परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री जी से, श्री कृष्णपाल जी से, श्री अनिल विज से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। को अगर कोई मेरा भाई दोषी पाया जाता है तो उनको सजा दी जाए, लेकिन यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं उनसे किसी से पूछ सकते हैं आप, ना तो फार्मेसी फरीदाबाद पलवल होटल तक के लोग यहाँ बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, किसी से एक रुपया नहीं मांगा गया आज तक, बल्कि घर के बैठा कर चाय वाय सब कुछ उनको पिला के भेजा जाता था। आज तक कोई रुपया, इनसे एक रुपया भी नहीं मांगा गया। कोई फरीदाबाद पलवल यहाँ कोई बच्चा बोल के दिखा दिए चीज़ कि हमने उससे एक रुपया भी लिया है। रिश्वत का तो सवाल ही नहीं उठता है। कोई भी एक ऐसा बंदा दिखा दें जिसने उनको एक रुपये की रिश्वत दी हो। ये जो दलाल पकड़ा गया है ये अपने आप को बचाने के लिए ये गेम खेल रहा है जिसमें ये उसी ने उस लोगों का नाम ले रहा है। मैं उनके साथ 7 साल से इस काउंसिल के अंदर काम कर रहा हूँ। उससे पहले 5 साल से पहले भी हम लोग सारे काम कर रहे थे फार्मासिस्टों के लिए, उनकी भलाई के लिए। रिश्वत का तो सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ ये सारा खेल दलाल अपने आप को बचाने के लिए, दिनेश भाई साहब का या दिनेश जो हमारे चेयरमैन साहब हैं इनके लिए ये सारा ये जाल बुना जा रहा है उनको फंसाने के चक्कर। आपको बता दें कि हाल ही में स्टेट विजिलेंस ने रिश्वत की एवज में लाइसेंस बनाने को लेकर हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा पर मामला दर्ज किया है और तब से धनेश अदलखा फरार चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो फरार क्यों है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।